इसके ऊपर टॉवल रखना पड़ता है मेरे को व्हाइट कलर का, क्योंकि गिराएगी पक्का। अच्छा ओके, बट मेरा रिकॉर्ड है हाँ, मैं हमेशा अपने कपड़े गंदे करती हूँ, मैं शूट के कपड़े कभी गंदे नहीं करती, मेरा रिकॉर्ड है। अप्रैल मई जून जुलाई 4.5 months, तो अगर और 4 महीने मिलाए होते तो एक बच्चा और कर देते अब। वो वाला सीन हो जाता ना कि जहाँ हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, बस कुछ समझ लो। दुनिया में जितने जितने फूडीज और बुक्कड़ इकट्ठा कर सकते थे उन्होंने इकट्ठा किया और दिल्ली तक के सेट पे डाल दिया उनको साथ में काम करने के लिए। और निश्चित में यही हुआ था। Who is the one who takes the maximum break on the set and why? ये तो योगिता ही है। The reasons I'll tell you. उसको साड़ी पहनने में आधा घंटा लगता है। योगी इज सबकी फेवरेट। और सी अभी जो जो हमारे अभी डायरेक्टर सर, आई हैव वर्क्ड विद हिम सिंस अ लॉन्ग टाइम, और मुझे लगता है कि काफी यू नो ही इज एडेड अ लॉट टू द शो। On Spot Pod today we have Karan Kundra and Yogita Bihani to talk about much awaited episodes of Dil Hi To Hai. लोगों ने इतना वेट किया है जितना लोग शो का करते हैं, उतना रिमेनिंग एपिसोड्स का वेट करना पड़ा। क्या वजह थी? लॉकडाउन, कोरोना वायरस, ऑलमोस्ट 6 महीने डिले हो गया। मार्च, हाँ, यू वर शूटिंग इन मार्च, मिड अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4.5 months। तो अगर और 4 महीने मिलाए होते तो एक बच्चा और कर देते अब। हम लीप ले आते और क्या, हम लीप ले आते। अच्छा, रिमेनिंग एपिसोड्स तो हम ऑडियंस देख लेगी, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग थोड़ा सा जस्ट बताना चाहें, बिकॉज आपको पता है कि बहुत टाइम हो गया है, सो किस अगर थोड़ा बहुत आप बता सके जिसकी वजह से वो एक्साइटमेंट लौट आए। चल बता रही हूँ कितना चल बताइयो कि तुमने जो सिखाया था ना सब बोल दे। किस वजह से दिखे यार, एक फर्स्ट सस्पेंस, मतलब अब पता तो जानना तो है ही ना कि एग्जैक्टली एंड में होने क्या वाला है। सो फर्स्ट रीजन ये, ऋत्विक की याददाश्त वापस आएगी या नहीं ये भी तो जानना जरूरी है, राइट। दूसरा रीजन ये, तीसरा रीजन पलक किसको चूज करेगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट, आई थिंक वो फर्स्ट रीजन है। और हाँ बस, बाकी प्रोमो में के चपेट पड़ गई है तो सही, बहुत एक्साइटमेंट। और पलक को ही अच्छा लगेगा या कि नहीं कि विक्रांत को चपेट पड़ गई है, सो वो भी ये सब जानने के लिए तो देखना ही पड़ेगा। ओके, द शो वाज स्टार्टेड एज अ टीवी शो and it managed to have successful seasons on OTT. What, according to you, was the reason? Each one of you. I think बहुत बड़ा reason इसमें ये है कि television में आपको जब एक slot मिलता है और आप बोलते हो कि हम एक love story बना रहे हैं, तो एक for example हमें 8:30 बजे का slot मिला है, तो उसमें आपको as a channel और as a producers आपको पूरी की पूरी जो उस टाइम पे ऑडियंस उस टाइम पे उस चैनल पे आ रही है उनकी सेंसिबिलिटीज और उनको क्या चाहिए और उनकी वांट्स और उनकी डिमांड्स को रखना पड़ता है। फिर आपको काफी कुछ चेंज करना पड़ता है, यू नो, क्योंकि टेलीविजन पे क्या होती है ना, टीआरपीज गिरती हैं या टीआरपीज बढ़ती हैं, उस हिसाब से सब कुछ होता है। जब आप ओटीटी पे होते हो तो आप अपने वेरी वेरी यू नो ऑनेस्ट विद व्हाट यू वांट टू मेक, यू नो। दिल्ली तो एक बहुत ही लाइट हार्टेड लव स्टोरी है, फैमिली बेस्ड स्टोरी है, और हमें ओटीटी पे जो है उस पे हमें ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती कि यार अगर ये ट्रैक नहीं करेंगे या ऐसा धमाल नहीं करेंगे या एक माह एपिसोड नहीं करेंगे या फिर एक शादी का ट्रैक नहीं लाएंगे या तो टीआरपीज गिर जाएंगे। सो आई थिंक वन रीजन इज दैट जब आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पे होते हो तो आप अपनी डिमांड पे अपना फोन निकालते हो या अपना लैपटॉप निकालते हो, आप जाते हो, आप देखते हो आज मेरा मूड है कोई कुछ रोमांस देखने का या कुछ थ्रिलर देखने का, अगर रोमांस देखने का मूड है चलो एक काम करते हैं दिल्ली तो है देख लेते हैं। सो अब क्या है ना, आपके हाथों में, अब ऑडियंस के हाथ में है। पहले अगर आप बहुत एक शो को पसंद कर भी रहे हो सकता है कि उस 8:30 बजे के स्लॉट में लोगों को शायद उतना पसंद नहीं आ रहा हूं, और ये हर शो की बात कर रहा हूं, मैं अपने शो की बात कर रहा हूं, तो आप
आप जॉनर स्पेसिफिक हो जाते हो. अगर आपने अगर आपको कंटेंट बनाना है जिसको लोग ढूंढते हुए आएंगे, उसके लिए बेस्ट है ओटीटी. एंड दैट इज अ क्लियर कट साइन की दिली तो है ने जो जॉनर बनाया था उसको लोग ढूंढते हुए आए, तभी सेकंड सीजन थर्ड सीजन इतने बड़े हिट हुए. एग्जैक्टली. योगिता, हाउ मच डू यू रिलेट टू व्हाट करण हैज सेड? एग्जैक्टली, ही इज टोटली राइट. I don't personally watch TV as much as my family does, or my cousins or other people like in my family or friends does, like my friends. And but I wouldn't go and watch Dil Hi To Hai on TV, but as a show, I really like Dil Hi To Hai. So it's very convenient, if it's very convenient for me to go and watch it on All Balaji, because you know I can watch it anywhere while I'm traveling. Even if I'm working, I can download the episodes, and then it's very easy for me. But if you give me a time slot that 10 p.m. you have to watch this show, or 9 p.m. you have to watch this show, then it's not convenient for me. Right. And I think our show is like, I think our show is the one I've seen. जो तो hardcore fans होते हैं ना, वो तो आते ही हैं. वो तो हमेशा like अगर कितनी मोहब्बत है, जो आप मेरा first तो वो 9 एयर फॉर एग्जांपल अगर वो एयर होता था तो वो उसकी एक फिक्स्ड ऑडियंस. बट ओटीटी में क्या है ना, ओटीटी में होता है कि आपको स्क्रिप्ट में चेंजेस नहीं करनी पड़ती है, या उस चीज किया जा रहा है या ये ट्रेंड है. एंड सेकंड, ओटीटी इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड जस्ट टू यू नो आवर कंट्री. आप अगर आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हो तो वो पूरी दुनिया में आपका प्रोडक्ट जा रहा है. पहले क्या होता था कि आपके शो जाते थे तो लोगों को पता चलता, अब ऐसा नहीं. हम जुड़े हुए हैं, वो भी जाके ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हमारे यू नो कि आपके व्यूअर्स को आप इकट्ठा करके एक जगह दे सकते हो कि आप यहाँ पर जाकर कभी भी देख सकते हो ये शो. एंड दैट्स अ रियली ओके. ऑलरेडी 3 सीजंस आप लोगों ने साथ में किए हैं, सो कितना ऋत्विक और पलक का कैरेक्टर आप लोगों में आ चुका है, मतलब कितना ज्यादा आप अडैप्ट कर चुके हैं उन कैरेक्टर्स को अपने आप में रियल लाइफ में. मैं सबसे पहले मैं झुमके पहनना सीख गई हूँ, मैं साड़ी पहनना सीख गई हूँ और लड़की हाँ या आई हैव गिवन रीटेक्स इन द शो ओनली बिकॉज दे वर लाइक रीटेक, बिकॉज इसमें लड़की बन के आना, लड़की की तरह चल के आना, ये रीटेक होगा. सो या So, were you like a tomboy? Very much. Acha. And what about you, Karan? What have you adapted personally? It's more like Ritvik has adapted Karan Kundra. You know, there was freedom ki, you know, I could bring myself into the character. So, I think there's a lot of Karan in Ritvik, and I don't know if Ritvik is in Karan, but I think swag to fir wo to inbuilt hi hota hai na, to wo aa hi jata hai. Maine inka bhi answer de hi diya tha actually. Okay, kyunki Noon family hamare sath nahi hai, lekin hame unke bare mein bhi discuss karna hai, because they are very much important for Dil Hi To Hai. So I have prepared a set of questions so that हमें उनके बारे में, इंक्लूडिंग यू गाइस, और ज्यादा पता चले बिहाइंड द सीन्स. शो में जो होगा वो तो हम एपिसोड का वेट करें, हम देख लेंगे, बट बिहाइंड द सीन क्या क्या होता है आप लोगों को ये बताना है. ओके, सो फर्स्टली टेल मी, हु इज द वन हु टेक्स द मैक्सिमम ब्रेक ऑन द सेट एंड व्हाई? ये तो योगिता ही है. Not because I take a lot of breaks. The reasons I'll tell you. उसको साड़ी पहनने में आधा घंटा लगता है. तो जब हाँ, सबसे पहला रीजन है कि साड़ी पहनने में टाइम लगता है. फिर मैं पानी बहुत पीती हूँ दूसरा, so I really need to go and pee again and again. So I need to use the loo, तो मेरे को वो ब्रेक चाहिए होता है. तीसरा, मुझे भूख बहुत लगती है. So again after 2 hours I'm hungry. I need to take that break and just quickly eat. Like I won't make the whole set wait for me, but like I take these mini breaks, and sometimes I feel sleepy after eating.
योगिता को जब तक योगिता के गजरेला नहीं आता तब तक ये शॉर्ट नहीं देती, फिर इसको साड़ी पहनने में बहुत टाइम लगता है, फिर इसे भूख लग जाती है, फिर इसे बाथरूम जाना होता है तो फिर उसको फिर से भूख लग जाती है, जब तक ये सब होता है तो उसकी साड़ी बनने का टाइम आ जाता है। हेलो एक तो साड़ी पहनना, इट्स नॉट इजी साड़ी पहनना, इट टेक्स 30 मिनट्स एंड देन दे गिव मी ऑर्गेंजास, लाइक मतलब लुक एट मी, कहां से लगती है लड़की साड़ी पहनने वाली। ओके उसको ऑर्गेंजा दे दिया, मतलब कितना स्ट्रगल है, मुझे पूरे पहले दो दिन तो चलने में इतनी मुश्किल हो रही थी, इसके ऊपर टॉवल रखना पड़ता है मेरे को व्हाइट कलर का क्योंकि गिराएगी पक्का। बट मेरा रिकॉर्ड है, हाँ मैं हमेशा अपने कपड़े गंदे करती हूँ, मैं शूट के कपड़े कभी गंदे नहीं करती, मेरा रिकॉर्ड है। देखो कितनी अच्छी है इस मामले में, सिर्फ अपने कपड़े गंदे टॉवल रख देते हैं तेरे ऊपर। कुछ भी, मैं बहुत ध्यान से खाती हूँ, जब मैंने ऐसे कंटिन्यूटी के कोई कपड़े पहने होते थे। ओके हु इज द लेट लतीफ ऑन द सेट, हु टेक्स मोर टाइम टू रीच ऑन द सेट एवरी डे? ये मेरे जो ऐसे डर है ना थोड़े से, इधर है या मेरे मेरी स्क्रीन में मेरे नीचे, तो यही है। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे लेट वेट नहीं होता हूँ, मेरा सीन क्या है ना कि जैसे लोग सेट पे टाइम पे जाते हैं, ये लेट जाते हैं या अर्ली जाते हैं ना, मैं सेट पे जाता हूँ, तो वो वाला सीन हो जाता है ना कि जहाँ हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, बस कुछ समझ लो। वैसे तो आपने रिवील कर दिया है कि फूडी कौन है क्योंकि इन्हें बहुत भूख लगती है, बट इनके अलावा भी कोई है सेट पे जिनको बार बार भूख लगती है? उसके मेरे अलावा सभी हैं, दुनिया में जितने जितने फूडीज और बुक्कर इकट्ठा कर सकते थे उन्होंने इकट्ठा किया और दिल्ली तो के सेट पे डाल दिया उनको साथ में काम करने के लिए, और निश्चित भी यही हुआ था, आप फूडी हो जाओ दिल्ली तो में जाओ दिल्ली तो में। बहुत सही लगता है, लेकिन जब खाना वाना खाने का ब्रेक होता है ना, लंच ब्रेक, तो सारे हम लोग एक ही जगह पे बैठ जाते हैं और सब अपने अपने घर से खाना खाते हैं, और मतलब उस चीज को तो मैं इतना मिस कर रहा हूँ ना, ओहो। मैं भी, एंड आई एम हंग्री। ओके, इज देयर एनी गैंग ऑन द सेट, आई मीन लाइक अ गर्ल गैंग और अ बॉय गैंग? नहीं नहीं, वो सब नहीं, थैंकफुली वो सब नहीं, हम सारे एक हमारे तो ग्रुप का नाम भी फूडीज है। एक्चुअली फूडीज है ग्रुप का नाम, हमारे ग्रुप का नाम फूडीज है, और कोई भी हमारे सेट पे ना वो चैंचा नहीं है, जैसे होते हैं ना लड़कियां अपना लगी होती हैं, लड़के अपने लगे होते हैं, वैसा कुछ नहीं हमारे सेट पे। ओके सो ये बताइए कि सबसे ज्यादा इन्वॉल्व कौन रहता है काम में, आई मीन द वन हु इज ऑलवेज इनटू द स्क्रिप्ट? नॉट इनटू द स्क्रिप्ट लाइक, बट या मतलब इफ यू कैन से ही इज मोर लाइक फर्स्ट इज हिम ओनली, सेकंड इज मी, लाइक नॉट इनटू द स्क्रिप्ट बट या इफ देयर इज अ सीन ही इज वेरी फोकस्ड व्हाट शुड बी देयर एंड व्हाट शुडंट बी देयर एंड व्हाट if there's something that we can do about it, we can add, so he takes the responsibility of that more thank than you. Anybody thank you who's the one who's on the phone all the time? Sorry? Who's the one who's on the phone all the time? Radheshwari madam. He wants to divorce the show just because he plays that game. सारा दिन। ओके, who is always under work stress and why? एक होता है ना जो हमेशा ही लगता है कि मैं ही सबसे ज्यादा काम कर रहा हूँ। अबू अबू को बहुत स्ट्रेस होता है, सबका स्ट्रेस होता है। अबू को अलग टाइप, सबके मिक्स स्ट्रेस होते हैं, उस मिक्स स्ट्रेस होता है उसको। Okay, and who is the one who is director's favorite? Me. You agree to this? Actually, both of us. But me. वो दो अलग-अलग zones हैं. I think Yogi is सबकी favorite. और
See, अभी जो जो हमारे अभी डायरेक्टर सर, I have worked with him since a long time, और मुझे लगता है कि काफी you know he's added a lot to the show, and so you know वो और इमी भाई हमारे इमरान जो कि क्रिएटिव हेड हैं, so I think ऐसे मतलब नॉर्मली देखा जाए तो सबकी फेवरेट फिर योगिता ही है, बट अगर काम के पॉइंट देखे जाए तो फिर तो ऑब्वियसली ऑडियंस एक्सपेक्ट अनदर सीजन फॉर द शो बता भी योग्यता कुछ नहीं पता देखो सेकंड थर्ड सीजन में थर्ड सीजन के लिए आई रिमेम्बर एक्चुअली सीजन टू के टाइम पे वी वर लाइक सीजन टू लाइक रियली इज इट हैपनिंग बिकॉज सीजन वन जब खत्म हुआ था वी वर रियली सरप्राइज इट वाज ऑल ओवर वी फिनिश्ड द स्टोरी एंड सडनली वी गेट अ कॉल फॉर सीजन थ्री रियली सरप्राइजिंग सो बट देन यू नो नाउ वी हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड द स्टोरी सो वी डोंट नो what can come up and maybe not so let's see Karan what about you I don't know like see again it all depends on how the season does you know okay. ek show ek property ki tarah hota hai jisko aap you know if it's a successful show then there are all reasons to bring it back you know I technically believe that Dilito is a fantastic show it's got a very nice feel to it a lot of audience has already you know attached itself to the show aur kahani to kuch bhi matlab aap aise to matlab hum balaji ke liye kaam karte hain hum to matlab hamare paas 3000 hamare paas transcript na bas then guys So nothing basically हमने यही कहा है कि fingers crossed हैं और मेरा एक ही finger crossed है क्योंकि दूसरे finger से मैंने अपना phone पकड़ रखा है और एक हाथ से इसने phone पकड़ा हुआ है एक हाथ से खाकरा खा रही है एक हाथ से चाय पी रही है तू कैसे कर लेती है आपने तो बोला मल्टी टैलेंटेड है ब्रेक्स में कितने अलग अलग रीजन से ब्रेक ले लेती है और क्या Okay, Karan. Also, I wanted to know. Karan, also, I wanted to know. आपकी एक नई फिल्म ही रिलीज होने पे है, so I think ऑडियंस को बैक टू बैक आप ट्रीट करने वाले हैं. Yeah, I think एक दिन डॉली किटी और वो चमकते सितारे रिलीज हो रही है और अगले दिन ही दिल्ली तो है के बाकी के एपिसोड्स रिलीज हो रहे हैं. So I think ऊपर वाला जब भी देता है वो चप्पड़ वगैरह फाड़ फूड के देता है but stress levels भी बढ़ा देता है कि you know काफी प्रेशर होगा 18th एंड डॉली किटी और वो चमकते सितारे हमने काफी पहले शूट की थी और काफी मेहनत गई है उस पे और काफी स्पेशल प्रोजेक्ट है it's a very special project because I really wanted to be a part of that film and so I think I'm also very excited nervous a little you know thoda sa dar bhi lag raha hai but hopefully everything will be fine and very next day Dilli to hai ki you know baki ke 10 episodes release ho rahe hain so what can I say I'm on a roll yeah okay guys it was pleasure talking to you thank you so much for joining us thank you Nikki thank you so much Thank you, Yogita. Thank you, Karan. Bye. Take care. Bye. Bye. Bye, Golu. Bye, Nikki.